नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। यूपी के हमीरपुर जिले में एक बार फिर जमीन के बंटवारे को लेकर शराबी बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर सनसनी फैला दी। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। इस हत्याकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मामला हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहां के रहने वाले 70 वर्षीय सुन्ना रैदास का पुत्र अर्जुन शराब पीने का लती है और आए दिन शराब के नशे में घर में पहुंचकर जमीन के बंटवारे की मांग करता रहता है और अपनी शादी करवाने का भी दबाव बनाया करता था। अर्जुन ने शराब के नशे में अपने पिता की धारदार हथियार से प्रहार करते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो मृतक हैं, ये आपके कौन थे? पिता। पिता तो क्या हुआ था ये मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप कब आए यहाँ पे? अभी अभी आया हूँ, जब फोन से पता चला। नहीं तो फोन से पता चला आपके भाई के ऊपर लगाया जा रहा है जी, इसके बारे में आप कुछ बताएं? ये हो सकता है, कर सकता है। हाँ, ये दारू वारू पी के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है उसमें, और कई बार ड्रामा भी मचा चुके हैं, ऐसा नहीं। इसके पहले भी एक आध बार कभी कुछ किए? हाँ, करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, दारू पी के ड्रामा करते रहते हैं। तो विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण यही हो सकता है कि बंटवारा उटवारा के लिए कहा होगा कि मेरा हिस्सा बांट दो, उसने मना किया होगा कि अभी बार ब्याह नहीं हुआ तो तुम लोगों को भी बार ब्याह हो जाए, तो फिर ख्याल कि सबको इकट्ठा बांटा जाए, तो डर की राय होगी। आपके पिताजी की उम्र क्या होगी? लगभग 70 के फिर होगी। जनपद हमीरपुर के थाना मौधा में सुन्ना रैदास नाम के 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या उसके पुत्र के द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके की गई है। मृतक की पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई, सूचना पर थाना पुलिस और अधिकारी सब लोग मौके पर पहुंचे। जो जानकारी से प्रकाश में आया कि पारिवारिक कारणों से पुत्र द्वारा पिता की हत्या की गई है। इस संबंध में मृतक की पत्नी के प्रश्न पत्र के आधार पर थाना मौधा में 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है और पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।